मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एन ए से। उसके बाद नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये हो गया कि जो एन ए ने उसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया था उसको मैंने उधर भी डाके डॉट से प्रेजेंट किया, क्योंकि ये एन ए की तरफ से आया गया है और ये इधर एन ए के पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इधर जो है ये मतलब इस सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि सी जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस आयोनिक बॉन्ड की डायग्राम को हम क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो ऑपोजिटली चार्ज होता है ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज हमेशा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और ये अट्रैक्शन का दूसरा, इस अट्रैक्शन को हम दूसरे नाम से पकड़ते हैं आयोनिक कंपाउंड, और ये आयोनिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं।